नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां ड्रग डिपार्टमेंट ने छापा मारा है तीन दुकानों पर। जी हां, तीन दुकानों पर ड्रग डिपार्टमेंट की रेड। नयापारा स्थित तीन दुकानों पर छापा मारा है ड्रग डिपार्टमेंट में। डूमर तराई के शिवशंकर स्टोर पर रेड मारी गई। डूमर तराई में ब्यूटी सेंटर पर छापा मारा है। नयापारा के अग्रवाल स्टोर पर भी छापा मारा है। बंजारी चौक के जगनमल अशोक पर भी रेड मारी गई। अवैध रूप से दवा बेच रहे थे दुकानदार, क्रीम के नाम पर ये दवाएं खपा रहे थे। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे रायपुर संवाददाता युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, बड़ी मात्रा में दवा है, अवैध रूप से रखा गया था, बेचने का ये मामला है और कॉस्मेटिक दवाएं हैं और जो ड्रग डिपार्टमेंट ने इसकी कार्रवाई की है। तीन अलग अलग ठिकानों पर सुमित कार्रवाई की गई है और उसे मिलान किया जा रहा है कि कितने का है, उनमें लाइसेंस था या नहीं था। और ये गोरा बनाने के नाम पर इस तरह से अवैध रूप से बेचा जा रहा था जो क्रीम था, कॉस्मेटिक था, और ये कई तरह के नुकसान भी करता है, रिएक्शन भी करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दवाएं बिक रही थी, क्या वो वास्तव में ओरिजिनल है या नहीं है, किसकी भी पुष्टि ड्रग डिपार्टमेंट कर रहा है और सैंपल है वो लिए गए हैं और एक बड़ी कार्रवाई ड्रग डिपार्टमेंट की कही जा सकती है। और चूंकि आदर्श आचार संहिता लगा था, ऐसे में तमाम जो विभाग है एक तरह से निष्क्रिय थी। अब चूंकि जैसे जैसे समय आते जा रहा है, सक्रियता भी दिख रही है और लोगों के सेहत के साथ इसे खिलवाड़ भी कहा जा सकता है और कई तरह के जो रिएक्शन भी होते हैं, तो एक बड़ी कार्रवाई ड्रग डिपार्टमेंट की इसे कही जा सकती है। जी सुनिए, ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। महासमुंद से खबर, जहां सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। रफ्तार ने जान ले ली युवकों की, पर सदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हुई है। पिकअप ने बाइक सवारों को कुचल दिया। घटनास्थल पर दो युवकों की मौत हो गई। पर सदा राइस मिल के पास ये हादसा हुआ। महासमुंद कोतवाली क्षेत्र का मामला। उधर बीजापुर में नक्सली साजिश नाकाम हुई है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 25-25 किलो के दो आईईडी बम बरामद हुए। नक्सलियों ने आईईडी बम लगाए थे, जवानों को निशाना बनाने की साजिश थी। मुरदंडा बासागुड़ा मार्ग से आईईडी बम बरामद किए हैं जवानों ने। छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने और वोटिंग के लिए ग्रामीणों के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से बौखलाए नक्सलियों ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम देना शुरू कर दिया। आज नक्सलियों ने कांकेर और नारायणपुर में खूनी खेल खेला। कांकेर में गढ़चरौली के एटापल्ली थाना क्षेत्र में ग्रामीण की हत्या कर दी। मृतक लालसू वेदड़ा जाम्बिया गांव का रहने वाला था। नक्सलियों ने महाराष्ट्र की सीमा पर सटे गांव में वारदात को अंजाम दिया। दूसरी तरफ कांकेर में ही आमाबेड़ा के जंगल में सर्चिंग पार्टी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। एसडीपीओ अमर सिद्धार ने यहां मुठभेड़ की पुष्टि की। इसके अलावा नारायणपुर में नक्सलियों के लगाए आईडी की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई। नक्सलियों ने छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी बम को प्लान किया था। अमदई माइंस में काम करने वाले मजदूर इस आईडी बम की चपेट में आ गए, जिसके बाद दोनों मजदूरों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों मजदूरों ने दम तोड़ दिया। भिलाई में मारपीट के आरोपी पार्षद और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पार्षद और उनके बेटे पर एक युवक की पिटाई का आरोप है, जिसकी शिकायत पीड़ित युवक ने भिलाई नगर थाने में की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से दुखी युवक टावर पर चढ़ गया और आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसकी सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर पुलिस ने युवक को टावर से नीचे उतारा। उसके बाद पुलिस ने पार्षद पिता और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। दो तीन दिन पहले की घटना थी, जिसपे हम लोगों ने उनके बयान के लिए बुलाया हुआ था। वो परसों बयान शाम को दिए हुए हैं और गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
FIR दर्ज हुआ था, जांच की जा रही थी और हम लोगों ने इनसे भी कहा हुआ था सतपाल सिंह जी से कि आप बयान दीजिए और कौन कौन व्यक्ति हैं उनके नाम बताइए। तो इनके द्वारा भी बयान देने में थोड़ा सा लेट किया जा रहा था, विलंब किया जा रहा था। जैसे इन्होंने बयान दिया है, हम लोगों ने उसके आरोपी की गिरफ्तारी की पता तलाश कर रहे थे और आज आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। कोनेगांव पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और जुआ खेल रहे 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 1,47,000 रुपये कैश भी बरामद किया है। पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। तो जुआ खेल रहे 30 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 1,74,000 रुपये भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। कोनेगांव से खबर है, जुआ एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। कल रात में सूचना मिली थी मुखबिर के माध्यम से कि थाना फरसगांव क्षेत्र के ग्राम पासंगी के एक स्थान पर जुआ खेला जा रहा है। इस पर से चारों ओर से घेराबंदी करके उस जगह को थाना फरसगांव पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे व्यक्तियों से रकम बरामद किया गया और उनके पास से ताश पत्ती भी जब्ती किए गए हैं और उनके विरुद्ध में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3 के तहत FIR दर्ज भी किया गया है, जिसमें से बताना चाहूँगा कि कुल आरोपी इसमें 30 हैं एवं उनसे 1,74,000 रकम बरामद किया गया है। जांजगीर चांपा में नैला पुलिस चौकी भगवान भरोसे चल रही है। दरअसल आरोप है कि पुलिसकर्मी समय से चौकी पहुंचते ही नहीं। आपको बता दें कि पुलिस चौकी में 25 स्टाफ हैं, लेकिन सिर्फ 2 लोग ही ड्यूटी पर नजर आते हैं। देखिए पुलिस चौकी का जायजा लिया हमारे संवाददाता कैलाश कश्यप ने। जांजगीर चांपा जिला के नैला चौकी में हम यहाँ मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ 25 कर्मचारी तैनाती के बाद भी यहाँ 2 कर्मचारी सिर्फ चौकीदारी के रोल में निभा रहे हैं। यहाँ न तो विवेचक है न ही यहाँ थाना प्रभारी है, जबकि अन्य स्टाफ की कोई पता नहीं है। अभी समय लगभग 10:20 हो रहा है, यहाँ 25 कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है, तैनाती है, उसके बाद भी यहाँ समय पर कोई नहीं है। और यहाँ यदि किसी तरह की घटना घटती है तो वहाँ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है, ना तो दिवस अधिकारी की उपस्थिति है, ना कोई ऐसा जिम्मेदार लोग हैं जो घटना को संभाल सके। हम प्रभारी के चैम्बर को भी दिखाते हैं कि यहाँ अभी तक प्रभारी नहीं पहुँच पाए हैं, ना ही किसी तरह की जानकारी है कि वो कहाँ गए हैं। इस तरह की घटना लगातार हो रही है, जबकि बीते 2-3 दिन के भीतर यहाँ के आरक्षकों के ऊपर अवैध वसूली का भी जोर शोर से आरोप लगा है, जिसकी शिकायत SP कार्यालय में की गई है, जो जांच के लिए जांच का विषय है। और गंभीर समस्या है कि आरक्षकों को इस तरह की लगातार आरोप, पैसे की लेन देन के आरोप, किसी के प्रताड़ित करने के आरोप लग रहे हैं, जो निंदनीय है। और यदि रक्षा की भक्षक निकले तो ऐसे में क्या होगी, ये कई सवाल खड़ा करते हैं। और जिम्मेदार अधिकारी की अनुपस्थिति कई सवाल खड़ा करते हैं। नैला चौकी में सिर्फ 2 कर्मचारी चौकीदारी की रोल निभा रहे हैं और ऐसे बदहाली स्थिति में चल रहा है। न्यूज 18 के लिए कैलाश कश्यप जांजगीर चांपा। गरियाबंद में अवैध धान के परिवहन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और 300 बोरा धान और 5 वाहन जब्त किए हैं। देवभोग SDM अपरता पांडे ने पाठक ने यह कार्रवाई की। दरअसल बिचौलिए ओडिशा से धान लाकर छत्तीसगढ़ में MSP पर बेचने की तैयारी में थे, तभी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध धान जब्त किया। साथ ही जिला प्रशासन ने जिले के 15 चेक पोस्ट में लापरवाही बरतने वाले 120 कर्मियों को नोटिस जारी किया है। वहीं चेक पोस्ट पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात भी किया गया। जगदलपुर में अब बाइक चलाते हुए फोन पर बात करना लोगों पर भारी पड़ेगा। दरअसल यातायात विभाग ने शहर में लगे CCTV कैमरेज के जरिए चलती बाइक पर मोबाइल से बात करने वालों को सीधे घर में चालान भेजना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि अब तक 30 लोगों के घर में नोटिस पहुंच चुका है। हमारे जो जितने भी सिग्नल्स है वहां पर जो कैमरे लगे हैं उनके माध्यम से 3 सवारी है मोबाइल से बात करने वाले या फिर सिग्नल जम जैसे जो भी ट्रैफिक सिग्नल जो रूल है का वायलेशन करने वालों को हम लोग RTO के माध्यम से उसका एड्रेस हमने ट्रेस निकलवा करके संबंधित जो वायलेशन करने वालों को हम नोटिस के माध्यम से उस पर चलानी कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों को नोटिस भेजा? अभी लगभग हमने हमारे द्वारा 30 से 35 लोगों को हम लोग नोटिस भेजने के लिए प्रक्रियाधीन है। अभी RTO से जैसे ही हमारा एड्रेस हमको मिलते जाएगा।
बात करेंगे मुंगेली की, जहां एक हाथी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। मुंगेली वन मंडल में हाथी का शव मिला है। शव को देखकर शिकार की आशंका जताई जा रही है। हाथी के शरीर पर चोट के निशान भी देखने को मिले हैं। गले और पैर पर गहरी चोट के निशान हैं। जंगली हाथी के मृत मिलने से वन महकमे में हड़कंप मच गया है। वन विभाग की जाँच और हाथी के पोस्टमार्टम से खुलासा होगा। इधर मुंगेली में कटामी गांव में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। यहां एक हाथियों के दल ने ग्रामीण को दौड़ाया। धान के लिए हाथियों का झुंड बस्तियों में पहुंच गया है। गांव में हाथियों ने कई घरों को तोड़ भी दिया, इलाके में काफी नुकसान पहुंचाया। लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि झुंड में 6 से ज्यादा हाथी मौजूद थे, जिन्होंने पूरे इलाके में जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों के मूवमेंट से वन अमले ने लोगों से सजग रहने की अपील की है। कोरबा में एक बार फिर से हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। दरअसल कटघोरा वन मंडल के केंदई रेंज में फिर हाथियों की वापसी हो गई है। दरअसल ग्रामीणों ने भदरा गांव में हाथियों के झुंड को नदी पार करते हुए देखा था, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। हालांकि हाथियों के झुंड पर वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। एशिया कप पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में श्रीमंत झा ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जीत के बाद उन्होंने ये अपना मेडल शहीद जवान को समर्पित किया है। आपको बता दें, श्रीमंत झा ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के अब्रोर को हराया था। छत्तीसगढ़ में ट्रेन यात्रियों की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। आज से 6 दिसंबर तक कटनी रूट की 30 ट्रेनों को कैंसिल करने का फरमान लागू भी नहीं हुआ था कि रेल प्रशासन ने रेलवे ट्रैक के आधुनिकीकरण के नाम पर 18 यात्री ट्रेनों को 27 नवंबर से 23 मार्च तक के लिए कैंसिल कर दिया है। ये ट्रेनें लगभग 3 महीने तक के लिए अलग अलग तारीखों में रद्द रहेंगी, कैंसिल रहेंगी। ट्रेनों को रद्द करने की बजाय रेलवे ने आधुनिकीकरण का काम बताया है। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल में आधुनिकीकरण का काम किया जा रहा है। इस दौरान पलवल मथुरा सेक्शन में मथुरा में आधुनिकीकरण का कार्य किया जाना है। 48 रेलगाड़ियों के रद्द होने से यात्रियों में रेलवे प्रशासन के खिलाफ काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। यात्रियों ने महीने पहले समर वेकेशन और वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहले से ही रिजर्वेशन कराया है। देखिए, बिलासपुर से कटनी के बीच में अलग अलग खंडों पे थर्ड लाइन का, तीसरी लाइन के निर्माण का कार्य चल रहा है। कई जगहों पर निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और जो नवनिर्मित लाइन है उसको वर्तमान में जो स्थित लाइन है उससे जोड़ने के लिए हमें नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य करना पड़ता है। तो अभी चंदिया स्टेशन पर 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये कार्य किया जाएगा। इसके कारण से कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसमें अधिकांश वीकली ट्रेन है और कुछ दैनिक ट्रेनें भी सम्मिलित हैं। इस तरह के विकास कार्य आगे रेल परिचालन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें भविष्य में चला सकें और अधिक समयबद्धता के साथ चला सकें। तो फिलहाल ये इन कार्यों के लिए इन ट्रेनों को कुछ समय के लिए रद्द किया गया है। कार्य के पूरा होने उपरांत पुनः ये ट्रेन अपने निर्धारित समय के अनुसार चला करेंगी। कोरबा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे मजदूरों के लिए प्रार्थना की। साथ ही हनुमान मंदिर में दिए जलाकर उनके टनल से सकुशल बाहर निकलने की कामना भी की है। दरअसल उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है, प्रार्थनाओं का दौर जारी है। रेस्क्यू अभियान चलाकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। इस बीच मजदूर सुरक्षित ढंग से बाहर आ सकें, इसके लिए बीजेपी की कोसाबाड़ी के हनुमान मंदिर में पूजा पाठ हुआ और दीपक जलाकर मजदूरों के स्वस्थ रहने की कामना की।
फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।